हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की ऐप की अपडेट के बारे में। जिस ऐप का अपडेट का नेम है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, उस ऐप का नाम है सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसा कि आपको बताऊँ, सैमसंग गैलेक्सी में जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेटर के अंदर जाके चेक करते हैं कि अपडेट अवेलेबल है कि नहीं। और उसी ऐप का अभी अपडेट आया और ये ऐप अपडेट करने का क्या चेंजेस होते हैं और क्या मिलते हैं, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर अपडेटर ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में। और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आप चेक करते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में जो सॉफ्टवेयर या सैमसंग गैलेक्सी में जो की सेटिंग्स होती हैं, सबके अलग अलग ऐप्स होते हैं और सब में अलग अलग अपडेट आता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे या सॉफ्टवेयर वाले सेटिंग्स पे एक नया अपडेट आया है, तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट्स वाले सेक्शन में, तो आपको दिखेगा एक सॉफ्टवेयर ये अपडेट करके एक ऐप के अंदर अपडेट आपको दिख रहा होगा। अब ये अपडेट कब आया और क्या है इस अपडेट में, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस अपडेट को रोल आउट किया गया 5 अप्रैल 2024 को, जिसका साइज़ है 9.77 MB का एंड ये 4.239 का अपडेट है। तो बेसिकली जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। तो इस ऐप का काम है कि आपके मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ इश्यूज हो, उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर सके। और जो सॉफ्टवेयर अपडेटर है या तो ये अपडेट क्या करता है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट डिलीवर्ड हो रहा है आपके पास, वो अच्छे से डिलीवर्ड हो, कोई भी उसमें बग्स ना हो, या फिर डाउनलोड करते टाइम कोई भी उसके मालवेयर आपके मोबाइल में इफेक्ट ना करे। तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो देते हैं। अब इसको अपडेट करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर इस अपडेट में, मतलब इससे पहले वाले वर्जन में कुछ बग्स होंगे या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। और जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो आपके पास क्विकली और ईजिली अपडेट आपके मोबाइल में हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लेना है। आपको अपने मोबाइल में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आप बोलोगे यार इसलिए वीडियो क्यों बनाई, भाई वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आपको अपडेट करना ज़रूरी है, तो कुछ लोग अपडेट नहीं करेंगे। जब भी कोई सेटिंग्स में या कहीं भी सैमसंग की खुद की ऐप में अपडेट्स आता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, उससे आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बग्सेस या कुछ इश्यूज होंगे वो सबको रेक्टिफाई किया जाता है। अभी अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद मैं वापस यहीं पर आऊँ, सेटिंग्स में आने के सॉफ्टवेयर अपडेट को जाके चेक करूँ तो देखने में सब वैसा ही है, पर इसकी वर्किंग में वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हो सके मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।